बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, असी लिखाई जिहड़ी शुरू कीती आ नस्ता लीग उर्दू, उस तो अलावा दोस्तों की फरमायश है कि इंग्लिश भी करवानी चाहिए है, वो असी इंग्लिश भी शुरू कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह 26 हरफ ने, एक महीने के बीच बीच जिहड़ा ना हर आदमी इंग्लिश जिहड़ी है ना बेहतर कर सकता है, और जिदा अं दसांगे उस तरीके मशक जिहड़ी है ना रोज़ाना के हिसाब न करनी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करांगे कि तुसी पसंद करोगे जिहड़ा साडा तरीकाकार है उहदे दसण दा, वो तुसी अपनाओगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करांगे कि इहनू होर अच्छे तो अच्छे तरीके नाल इहनू दस्या जावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश दा साडा सबक आ, सबक नंबर अज 15वां। लफ़ज़ असीं हरफ लिखांगे, कल असीं लिखिया सी वी और यू और वी, आज लिखांगे डबल्यू। अगे जिहड़ा असीं वी लिखिया इहनू ही असीं डबल कर देना वा, तो डबल्यू हो जाएगा। और एंगल नूं मद्देनज़र रखना वा। तो मुकम्मल होएगी, तो इस बाद असी इहनूं बकायदा जोड़ के लिखांगे ताकि फिर उहदी स्पीड जिहड़ी आ उदों बनेगी। ऐसी डबल्यू इहदे नाल हुण एक्स बनाउणा मैं दस्सांगा। ऐ एक सी आ, दूसरी सी जिहड़ी इहदे मुखालफ है, असीं इहनूं उल्टी असीं लगावांगे तो बनावांगे असीं इन्ना इदां कि इहनूं पेंसिल चुकनी नहीं। मैं पहले शुरू दे विच इसलिए बनाई है कि वो दोवें शक्लां जिहड़ियां उहदियां वाज़ह हो जाण। इहदे च दो चीज़ां नूं मद्देनज़र रखना पैंदा कि तुसीं उहदा एंगल भी मद्देनज़र रखना, लफ़ज़ दी जिहड़ी शक्ल आ उहनूं भी मद्देनज़र रखना, कि शक्ल भी डाउन ना होवे एंगल भी डाउन ना होवे। बस आ दो चीज़ां नूं ना मद्देनज़र रखना पैंदा इहदे च। है सी साडे अज दे दो हरफ।